हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक और एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो है इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉकिंग। मतलब आप ट्रेडमिल पे आपके जिम में होगा, आप वॉक ज़रूर करते होंगे, रन ज़रूर करते होंगे, लेकिन आपने बहुत कम लोगों ने उस पर इंक्लाइन वॉक किया होगा। देखिए, मैंने इस एक्सरसाइज इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक को ऑलमोस्ट लास्ट 50 डेज रेगुलरली ही किया है, एंड दैट टू फॉर ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स। ये क्या है इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक? बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडमिल थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया है। मैंने इसका जो इंक्लाइन का जो पोजिशन है वो ऑलमोस्ट 20 कर लिया, जो इसका मैक्सिमम है, और मैं जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर्स पर आर की है। बेसिकली मुझे वॉक करना है, बस ट्रेडमिल को थोड़ा सा इंक्लाइन करने किया है जो मैंने। इसका जो बेनिफिट मैंने जो महसूस किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी और के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, विच इज़ लाइक मैंने ज़्यादा जल्दी फैट लूज़ किया है। मैं ज़्यादा इस एक्सरसाइज को करने से मेरी जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा बर्न हो रही हैं, राइट, और मेरे जो एंड्योरेंस है बेसिकली मैं बहुत बोलूँगा वो भी मेरा इंक्रीज़ हुआ है। आई कैन फील, मैं मतलब जो एंड्योरेंस है बेसिकली मैं और मतलब ज़्यादा टाइम के लिए अब वर्कआउट कर पा रहा हूँ, एंड आई एम नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स राइट नाउ। बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिक एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दिस एक्सरसाइज इज़ रियली हेल्पिंग मी आउट। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा कैलरीज बर्न करेंगे, अगर ज़्यादा कैलरीज बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप ज़्यादा फैट बर्न करेंगे। और इस एक्सरसाइज का एक बेनिफिट ये भी है कि जो आपके बोन्स हैं, आपके जो लेग्स हैं, आपके लेग्स के जितने भी मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग हो गया, ग्लूट्स हो गया, हर एक मसल इस एक्सरसाइज में यूज़ होता है। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट अपने कोर पे, मतलब अपने एब्स एरिया में भी महसूस होगा, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि वहाँ पर जोर पड़ रहा है। आपके पूरे लेग्स के जितने ही मसल्स हैं वो सारे यूज़ होते हैं ये एक्सरसाइज में। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आपका फैट लॉस का जो जर्नी है ना वो ज़्यादा जल्दी होगा, मतलब आप ज़्यादा हर रोज़ ज़्यादा फैट लूज करेंगे। देखिए, फैट लूज इज़ ऑल टुगेदर कि आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और कितना आप खाना खा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं मतलब आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं और कम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो फैट लूज नहीं होगा। तो जनरली जो लोगों को पता है कि भाई फैट लूज के लिए अगर कोई एक्सरसाइज है तो ये एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो। और देखिए, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है। इसमें रिस्क, जो इंजरी का जो रिस्क होता है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। और आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस, मेरे को ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिट कर रही है, मुझे महसूस हो रहा है मैं ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ ज़्यादा, और लूजिंग ऑलमोस्ट 6 kgs इन लास्ट 50 डेज। और इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दूंगा, अगर ऐसे एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो मैं आई वुड एडवाइस यू गाइज शुड ऑल्सो ट्राई, एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।